अरे आ गए जनाब। आ गया हूं, जब ही तो नजर आ रहा हूं। लगता है बात बनी है ना? मेरा मूड बहुत खराब है, मेरा दिमाग मत खाना। चलिए, नहीं सुनना है तो ना सही। भाई हम तो आपको किसी के बेकरारी के किस्से सुनाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई कितना बेचैन था आपके लिए। कौन? नहीं यार, अब मैं ज्यादा बातें करके तेरा दिमाग नहीं खराब करना चाहता। मेरी बातों से तो तेरा दिमाग खराब होता है ना, मूड भी खराब होता है तेरा। और वैसे भी मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे साथ ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मरो जाकर कहीं। मर तो कोई और है आपके बेताबी में। तो तुम सीधी तरह नहीं बताओगे? अज़रा के अलावा और कौन हो सकता है यार? अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? बार बार तुम्हारा पूछ रही थी, कह रही थी उर्वा को क्या हो गया है, ये अचानक कहाँ चला गया, कब आएगा, क्यों इमरजेंसी हो गई, क्यों 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 वगैरह वगैरह वगैरह। तो तूने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा कि उसके वालिद साहब की तबीयत थोड़ी खराब है, डॉक्टर ने कहा आप दुआ करें, शायद बचने की कोई उम्मीद नहीं। बड़े जलील आदमी हो तुम यार। अब्बाजी की तबीयत खराब करने की क्या जरूरत थी? कहते थे कि खानदान में किसी की शादी थी। नहीं, मैं ये कह देता कि वो अपनी खुफिया मंगनी खत्म करने गया था, उसके अब्बा जी ने जो जबरदस्ती उसके कजन के साथ करा दी, और वो कहता नहीं मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। सोहेल आहिस्ता बोल यार, कुछ सुनना ले। देख देख वे कुछ नहीं यार, अब तो सबको सच सच बता दे तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, कोई क्यों तेरे लिए आसरे में बैठा रहे यार। हर लड़की तेरे बारे में ख्वाब देख रही है भाई, क्यों? वक्त बदलते देर नहीं लगती, हालात कभी भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि अब्बा जी को मेरा ख्याल आ जाए, या चचा जान को मुझसे कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए, या फिर तेरी कजन का इंतकाल हो जाए, या फिर हजरत तेरे अब्बा के पैर पकड़ के उनको कायल कर ले। ऐसा